सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जून से अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सभी सेवाओं पर नए दर चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। इन नए दरों से SBI के ग्राहकों के लिए ATM, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंकिंग करस्पोंडेंट सेवा, चेकबुक इत्यादि के नियमों में परिवर्तन हुआ है। जाने क्या है नए नियम। ऑनलाइन ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, USSID की मदद से IMPS फंड ट्रांसफर से 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफर करने पर 5 रुपए और सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं 1 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 लाख रुपए से कम का ट्रांसफर करने पर 15 रुपए और सर्विस टैक्स अदा करना होगा। इस माध्यम से 2 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 लाख रुपए से कम ट्रांसफर करने पर 25 रुपए चार्ज के साथ सर्विस टैक्स देना होगा। बैंकिंग करस्पोंडेंट की मदद से डिपॉजिट, बैंकिंग करस्पोंडेंट की मदद से 10,000 रुपए तक डिपॉजिट करने पर जमा की गई रकम का 0.25% और सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। इस माध्यम से कम 2 रुपए और अधिकतम 8 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। वहीं बैंकिंग करस्पोंडेंट की मदद से 2,000 तक विड्रॉवल करने पर निकासी किए गए पैसे का 2.50% चार्ज लगेगा, जिस पर सर्विस टैक्स अलग से लिया जाएगा। निकासी पर बैंक न्यूनतम 8 रुपए का चार्ज लेगी। रुपे कार्ड, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट खुलवाने पर ग्राहकों को सिर्फ रुपे क्लासिक कार्ड बिना किसी चार्ज के दिया जाएगा। यदि ग्राहक को रुपए के अलावा मास्टर कार्ड अथवा वीजा कार्ड सुविधा चाहिए तो उसे अतिरिक्त चार्ज का भुगतान करना होगा। बैंक चेकबुक, 1 जून के बाद से स्टेट बैंक ग्राहकों को 10 चेक की बुक इशू कराने के लिए 30 रुपए का भुगतान करना होगा। इस चार्ज पर उसे सर्विस टैक्स अलग से देना होगा। वहीं 25 चेक की बुकलेट के लिए 75 रुपए और 50 चेक की बुकलेट पर ग्राहकों को 150 रुपए का चार्ज अदा करना होगा। इन दोनों चार्जेस के अलावा सर्विस चार्ज भी अदा करना होगा। कटे फटे नोट, 1 जून के बाद से स्टेट बैंक में कटे फटे पुराने नोट बदलने के लिए भुगतान करना होगा। हालांकि 5,000 रुपए तक की कीमत के 20 करेंसी नोट को बदलवाने पर ग्राहकों को चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन 20 करेंसी से अधिक बदलवाने पर ग्राहकों को 2 रुपए प्रति करेंसी चुकाना होगा। इस ट्रांजैक्शन पर भी ग्राहकों को सर्विस टैक्स अदा करना होगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।